हरे कृष्णा, राधे राधे किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार भैरव जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो ये प्यारे से सुंदर सी ड्रेस जो सेवा आई थी, अब मैंने पहना रही हूँ। किस दिन पहनाई थी बताओ? जिस दिन हमारे रामलला आए थे, अयोध्या में विराजमान हुए थे 22 जनवरी को, तो उसी दिन का श्रृंगार है ये। तो ड्रेस यहाँ मैंने पहना दी है, बहुत सुंदर सी रेड और ऑफ वाइट करके कुछ ये ड्रेस थी, बहुत सुंदर। हाँ, पीछे ये टिच बटन नहीं लगे हुए थे इस पर, तो मैं इस पर सेफ्टी पिन लगा दूंगी। और हमारे बिहारी जी इतने सुंदर से लग जाएंगे, इतने सुंदर से कि बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कपड़े पहना रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये, अगर टिच बटन नहीं लगे हो तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन लगा सकते हो, क्योंकि ऑल पिन मैं नहीं लगाती हूँ, ना मैं कहूँगी ऑल पिन लगाने को। उससे क्या होगा कि कई बार अपने भी लग जाती है और कई बार बिहारी जी के ना लग जाए, इसलिए उससे अच्छा ये है कि आप सेफ्टी पिन का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और थोड़ी मतलब जैसे अगर हमारे बड़े ठाकुर जी हैं तो बड़ी सेफ्टी पिन लें, क्योंकि कपड़े उस हिसाब से होते हैं। अगर छोटे हैं तो छोटी लें, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है जी। और ये देखो, तो ये ड्रेस में क्या था, ऊपर जैसे ये ऑल ओवर एक जैसा बना हुआ ऊपर से, जैसे कमर का आचनी और वो बना के कुर्ता, लेकिन आगे का जो आप हाथों के पास से ये देख रहे हो, ये खुला खुला हिस्सा है, ये ठीक है, लेकिन थोड़ा पीछे आते हुए टाइट हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी इन सबको, अगर कभी फिर बनाओ तो थोड़ा सा पीछे का हिस्सा भी थोड़ा सा लूज रखो, ताकि पहनाने में मुश्किल ना हो। अब आगे का हिस्सा तो ठीक बनाया है खुला, और पीछे का बहुत टाइट हो जाता है, क्योंकि जो शोल्डर है तो वो भी भारी होते हैं, आपको पता है हमारे भी होते हैं, तो कान्हा जी के भी बनाए होते हैं इन्होंने भारी भारी, तो वहाँ पे आके ना अटक जाती है ड्रेस, पीछे नहीं चढ़ती पूरा बंद करने के लिए। तो थोड़ा सा लूज बनाना, ठीक है जी। तो पहले मैंने यहाँ पे ऊपर बना के देखा था, ये मुझे अच्छा ही नहीं लगा, फिर मैंने उतार दिया, अंदर ही पहनाया, अंदर पहनाया नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा नजरिया तो पहना ही हुआ, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है ये वाले हाथ में मेरे ठाकुर जी के, और ड्रेस आ जाती है तो और फिक्स हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा पहनाया नहीं जाता है बिहारी जी को। तो आपको कृष्णा दासी लवली की वीडियो हमारे प्यारे से सुंदर से प्यारे जी की कैसी लगती है, जरूर से कमेंट करना, क्योंकि आप सबको पता है मुझे आपके कमेंटों का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। और जिसे हमारी वीडियो पसंद आती हो लाइक करते, जिसे नहीं आती हो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप अपनी श्रद्धा अनुसार, ठीक है जी। तो पहले मैंने पहनाया था ये गोल्डन सा हार, पहना दिया था मैंने, लेकिन बाद में मुझे अजीब सा यूँ लग रहा था, मैंने कुछ हटके करना है मुझे, मतलब बिहारी जी के श्रृंगार में, वैसे तो ये भी जच रहा था, लेकिन मैंने सारी इस टाइप की गोल्डन ज्वेलरी ना सबको पहना दी थी, तो मैंने कहा इनको ये वाले दो हार मेरे पास अलग से बहुत सुंदर से थे, तो मैंने कहा ये वाले पहनाती हूँ, इसमें गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन स्टोन वाले, ठीक है जी, वो पहना दिया मैंने ये उतार के। अब पीछे की शोर को गौर मत करना। और यहाँ पे फिर मैंने दोबारा उतारा, क्योंकि मैंने तकड़ी बनानी थी, तो तकड़ी बनाने के लिए भी ये एक चोकर है, गले का हार है, इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल स्लीक सा है, पतला सा, आप ऐसे ले सकते हो। तो आज की टिप्स है, इस तरह से आप कमर बंद बना सकते हो, कोई भी आपके पास हार रखा हो, माला रखी हो या फिर चोकर रखा हो। अब इसके ऊपर से बना दूंगी मैं ये प्यारी सी सुंदर सी माला मेरे बिहारी जी को। देखो कैसे देख रहे, बड़ी बड़ी आंखों जी मेरे बिहारी जी, जय जय बोल बांकी बिहारी लाल की जय। और आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, और आज संकट चौथ भी है, तो बोलो गणेश चौथ की जय, गणेश भगवान की जय, और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखें, निरोगी काया दे गणेश भगवान जी, खूब लंबी आयु दे, और खूब धनवान बनाए, खूब अपने चरणों में सेवा करवाएं हमारे बच्चों से और हमसे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ, ठीक है जी। और ये देखिए कानों में बना दिया सुंदर से लक्ष्मी एयरिंग, लक्ष्मी माता बनी हुई है इन पे, जो आप मतलब कि साउथ टाइप के एयरिंग आप कह सकते हो, ठीक है, इसको वो बोलते हैं वैसे
गिन्नी गिन्नी वाले ही नहीं, पटका काफी बड़ा था। तो मैं तो आपको पता है टेबल पे बैठा के, मतलब टेबल या कोई भी व्यवस्था करके वहाँ पे मैं श्रृंगार करती हूँ, और जब मैं ऊपर मंदिर में बिठाती हूँ तब मैं इनको अच्छे से पटका सेट करती हूँ। अब ये मैं ये लगा देती हूँ, और मैं हमेशा सबको नाम बताते बताते खुद ही नाम भूल जाती हूँ उसका। मैं सारंग, उनके सारंग बोलते हैं इसको, तो सारंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गई अभी याद नहीं आएगा। तो मैंने साथ में रख दिया है, ठीक है, जिसको पता हो तो भी पता था ना। मैं भूल जाती हूँ आजकल बहुत जल्दी हर चीज़ एकदम, मतलब स्किप हो जाता है बोलते बोलते दिमाग से। फिर पूछती हूँ मैं कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी। अब मैंने लगा दी हेयर विग, अब चलिए जी बिंदियाँ लगा लेते हैं ढेर सारी छोटी 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 स्टोन बिंदी, पा लेते हैं तिलक लगा लेंगे अपने हम बिहारी जी को, और एक और वीडियो है श्रीमती राधा रानी की। बस श्रृंगार मैंने इन सब का ही किया था, इतना ही टाइम था मेरे पास कि मैं ठंड में बस इनका श्रृंगार ही करके दिखा पाऊँ। छोटे छोटे जो स्टोन की बिंदियाँ आती हैं मार्केट में, जो सभी लेडीज़ लगाती हैं, वो आप मार्केट से ला के, यहाँ पर कलरफुल भी आती हैं, इस तरह से वाइट भी आती है, वो आप बिहारी जी के बहुत सुंदर से डायमंड लुक पे लगा सकते हो। अब ये देखो पगड़ी पहना दी, बहुत सुंदर हंसा ने पगड़ी बनाई थी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी सुंदर कि मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से भी कुछ मन होता है कि वो लगा दूँ ये लगा दूँ, तो ऐसा मन आता है। तो चंद्रिका टाइप आप ये समझ सकते हो, या फिर जो दूल्हे लगाते हैं वो जो पंख वाला होता है, वो मैं ऐसे लगाऊंगी। कितना हिल रहा है मेरा कैमरा, देख रहे हो आप, देखो मैं सेट ही करती रहती हूँ यहाँ से दिखाऊँ। देखो मंदिर की मेरे पीछे वो दिख रहा है ना, तो मैं ऊपर बैठ के श्रृंगार कर रही थी क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और सारा अगले दिन अरेंजमेंट करना था दिवाली का 22 जनवरी को, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, तो उस वजह से फिर रात में ही बैठ जाती मैं तो श्रृंगार करने। और देखो पगड़ी बना दी, और कितना अद्भुत रूप हमारे बिहारी जी का आ गया है। अभी मैं और भी बिंदी लगाऊंगी यहाँ पे, पहले मैं सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ, फिर गिर गई बिंदी। और जब कोई ऐसी बिंदी लगाते हो गिर जाती है ना, बड़ा ही गुस्सा आता है सच्ची में, क्योंकि एक तो ढूंढते रहो कहाँ गई, और ऊपर से वैसी नाखून वाखून तो मैं बढ़ाती हूँ नहीं, मुझे वैसे ही उठाने में भी प्रॉब्लम होती है, कपड़ों में थी तो मतलब कि मिल गई। अरे छोटी छोटी तो चीज़ें खोती, इतना लाती हूँ, इतनी पैकेट आते हैं, मतलब सब खो जाते हैं मेरे, क्योंकि फिर बिंदी लगा ली जब उतारो फिर इकट्ठी रखो, इधर गई उधर गई पता ही नहीं लगती। बिहारी जी को लगा दी स्टोन बिंदी, और बहुत जल्द मैं अब Q&A की वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो मैं जब भी बनाऊँगी तब मैं पोस्ट डालूंगी कम्युनिटी पे, वहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन हो वो लिख देना, लेकिन अभी नहीं, कहीं तुम इसमें मत लिख देना, इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ वो ही क्वेश्चन लिखती हूँ जो कम्युनिटी पोस्ट पे अगर मैं डालती हूँ आपके क्वेश्चन आए होते हैं, वो ही, इधर उधर के क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं ढूंढ ढूंढ के, तो वो नहीं लेती हूँ, एक ही बारी में जिसके होते हैं वो मैं नहीं लेती हूँ। तो वो अभी पहले मैं श्रृंगार वगैरह ये डाल दूँ, उसके बाद मैं पोस्ट डालूंगी, तब आप कमेंट क्वेश्चन जो भी आपके हों वो आप उसमें लिखना, ठीक है। तो रेडी हो चुके हैं, मोर पंख भी लगा दिया है बातों बातों में, और अब ये सुंदर से दूल्हे राजा जो लगाते हैं कलंगी, बोलो इसको कलंगी बोलते, याद आ गया बोलो इसको, कह रही खुद ही यार भूल जाती हूँ, और आपसे कह रही हूँ भुलक्कड़ हो गई बिहारी जी, इतना तो याद रहे मुझे कि आपको मुझे अच्छे से सजाना है, आपकी बातें बतानी है, आपसे इतना मतलब लगाव हो गया है क्या ही बोले। और सुंदर सी ये न्यू बंसी जिसकी मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, और ये बात मैंने आपको कई बार बोली, मैं बीच में बहुत कुछ लाती रहती हूँ छोटी मोटी चीज़ें, अब भी मैं रसिया के लिए कैप भी लाई, रसिया के लिए मैं ड्रेस भी लाई, लेकिन फिर दिखाना भूल गई, तो मैं काफ़ी चीज़ें लाती रहती हूँ जो आपको शॉर्ट में दिख जाती होंगी, जैसे बड़ी सुंदर सी मैं दो ऐसे ऊपर लगे हुए वो वाली टोपी भी रसिया ने पहन रखी है, और भी ऐसे बंसियाँ, अब ये है कन्हैया ने ले रखी बड़ी बंदी, तो कई चीज़ें ये वाले मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ, और छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, ऐसे बिंदियाँ हैं बहुत, अब भूल जाती हूँ, या फिर एक एक दो दो चीज़ें आती हैं तो समझ नहीं आती क्या दिखाऊँ,
और ये फाइनल लुक हमारे बिहारी जी का रेडी हो चुके हैं। जब मंदिर में बैठेंगे तो मैं फिर इनको वो जो लकुटिया बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, छड़ी, वो भी मैं इनको पकड़ाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको एक फाइनल लुक बाद में लास्ट में दिखेगा मंदिर में बैठे हुए का, तो आप देखिए। तो ये हमारे कान्हा जी बिहारी जी रेडी हो चुके हैं। कैसा लगा श्रृंगार? आशा करती हूँ आपको सच में बहुत प्यारा लगा होगा। अगर सच्ची में बहुत दिल से प्यारा लगा है हमारे बिहारी जी का श्रृंगार, तो लाइक तो सबसे ज़्यादा होने चाहिए, फिर कमेंट उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, और शेयर तो भर भर के होने चाहिए, क्योंकि मेरे बिहारी जी का श्रृंगार है, हम सब के बिहारी जी का श्रृंगार है, जुगल सरकार का श्रृंगार है। ये देखो कितना सुंदर अद्भुत रूप है। तो राधे राधे सभी को।